नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूं आपके साथ ट्विंकल उली। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आसाम के गुवाहाटी से आ रही है, जहां बुधवार शाम को कथित तौर पर अरुणाचल प्रदेश की दो लड़कियों पर हमला हुआ। सूत्रों के मुताबिक पहली लड़की जो कोचिंग क्लास से लौट रही थी, उसके करीब 30 साल का एक इंसान आया शाम करीब 5 बजे। उस आदमी ने उससे पूछा, तुम कहाँ से हो? जब लड़की ने उसे कहा कि वो अरुणाचल प्रदेश से है, तो उस व्यक्ति ने अचानक उसे लात और मुक्का से मारना शुरू कर दिया और चिल्लाते हुए कहा, अरुणाचल प्रदेश मेरे खिलाफ क्यों है? लड़की उस स्थान से भागने में सफल रही, लेकिन उस व्यक्ति ने फिर एक अन्य अरुणाचली लड़की को निशाना बनाया जो एक अस्पताल में काम करती है। उस व्यक्ति ने उसे वही सवाल पूछा और ये सुनकर कि वो लड़की अरुणाचल से है, उसे बालों से पकड़ लिया और उसे मारते हुए घसीटा। आसपास के लोगों ने देखा कि क्या हो रहा था, लेकिन वे मदद करने से बहुत ही डरे हुए थे। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन वो काफ़ी देर से पहुंचे और हमलावर पहले ही भाग चुका था। लड़कियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और जांच जारी है। इस घटना से गुवाहाटी में रहने वाली अरुणाचली लड़कियों के परिवार काफी चिंतित है। उन्हें उम्मीद है कि ये एक अलग मामला है और शहर में अरुणाचली लड़कियों के सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस मामले को लेकर नॉर्थ ईस्ट के सबसे पॉपुलर आईपीएस ऑफिसर रोबिन हिबू ने अवध टीवी से बात करते हुए बताया कि उन्होंने आसाम सीपी से बात किया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, ऐसा सीपी ने बोला है। इस घटना को लेकर पुलिस ने केस को दिसपुर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर भी कर लिया है। आपको बता दें, ऐसी ही एक घटना जनवरी 2021 में अरुणाचल प्रदेश की एक लड़की के साथ गुवाहाटी आईएसबीटी पर हुआ था, जब लड़की दिल्ली जाने के लिए निकल रही थी। अवध टीवी ने आईपीएस रोबिन हिबू से इस केस को लेकर बात किया, जो आप सुन सकते हैं। अभी देखो, मेरा प्रतिक्रिया, मैं तो, क्योंकि लोग, मुझे दुख की बात है कि सारे दुनिया में कहीं होता है तो मुझे पहले सूचना मिल जाए, सब मुझे खबर करता है, क्योंकि सर आप काबिल हैं। और मैं इमीडिएटली, मैंने डीजी सर को मैंने कॉल किया, सर ऐसे ऐसे हुआ, मैंने ये ऐसा ऐसा ये भेज अवर करो, रोबिन डोंट वरी, आई विल टेक एक्शन इमीडिएटली। सो आई ऑलरेडी टोल्ड हिम, मैं भी कमिश्नर गुवाहाटी को भी बोल दिया है, तो देयर विल बी नो इशू। ओनली मैंने उनको यही, मैंने उनका जो विक्टिम का जो भाई है, अर्ली इन द मॉर्निंग में मुझे 6 बजे में कॉल किया, आई टोल्ड कि छोटा भाई ऐसा है, तुम हम तो ऑलरेडी डीजी साहब को ऑलरेडी अभी बता रहे, बताने का बाद में भी उसको मैंने बता तो दिया है। आई टोल्ड कि आप ठीक है, हम तो बोल दिया है, आप अपना अरुणाचल प्रदेश को, वहाँ में भी डीजी आई जी है, उन लोगों को भी बोलो कि ताकि परसू करे, बिकॉज ये अननेसेसरी कॉमनल इशू ना बने सर। लेकिन ये जो सबसे बड़ा यहाँ में जो सर एक वो हो रहा सवाल हो रहा है, क्योंकि आप भी देखते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट का बच्चा अपना इंडिया का हर कोने कोने में फैला हुआ है, और अगर इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की घटना होगा सर बेसिकली, तो दिक्कत वाला बात है ना ये तो। एग्जैक्टली, बहुत ही। और लेकिन एक बात ये है कि हर जगह पे, इवन अपना हर जगह पे गुंडा या बदमाश होता ही है, उसको इमीडिएटली अगर एक्शन लेता है तो दैट्स ऑल, बिकॉज अपना हर जगह में गुंडा तो है, हर जगह कुछ लोग तो है, ओनली क्योंकि पुलिस शुड नॉट बी फाउंड वांटिंग, अथॉरिटीज शुड नॉट बी फाउंड, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टेल टू माय ऑफिसर्स। जहां भी हिंदुस्तान में होता, मैं अपना उसका डीसीपी, अपना एसएसपी या अपना डीजी, वही मैं बोलता हूँ कि सर ओके, क्यों होना हो गया, बट मेक श्योर दैट की the commensurate action as per law of the land should be taken, so that it should be visible and it should reinforce the hate of the victim and other members from that particular community also. So it has been done. So sir, क्या लगता है, मतलब कि जो ये घटना हुआ है, ये basically क्या एक कुछ personal reason भी हो सकता है, क्योंकि सर आप एक बड़े officer और एक सम्मानित officer हैं। लेट इट बी, उसको जो भी अगर गलत, वी आर नॉट सेइंग कि दे आर रॉन्ग और राइट, ये कह रहा है कि अगर गलत भी है तो देयर आर वे टू रिड्रेस ना, यू कैन जस्ट लॉ टेक लॉ इनटू योर हैंड एंड स्टार्ट असॉल्टिंग समबडी। सो आई टोल्ड हिम टू टेक प्योरली ऑन मेरिट बेसिस, अगर ये गलती है तो इनको भी डालो, बट जी जी सर, असॉल्टिंग समबडी इज नॉट द वे, वी आर लिविंग इन सिविलाइज सोसाइटी, और बेचारा अगर कहीं भी गलती भी होता है तो अरे उनका, उनको पुलिस को रिपोर्ट करो, उनका उसका कोचिंग का सेंटर को बताओ या स्कूल कॉलेज में जो बताओ उनको बताओ। तो एनीवे, डोंट वरी, ओनली माय पॉइंट इज द कंसर्न स्टेट पुलिस
अब भाई वही कि नोटिस वाला हम ही कोई पूछते रहते हैं, आई मैं नहीं था, मैं तो यार तो अपना डीजीपी आईजीपी को भी बताओ, हम लोग हेल्पिंग है, आई एम इंटरवीनिंग नॉट एज ए स्पेशल कमिश्नर और डीजीपी ऑफ जो रैंक दिल्ली का बोल के नहीं, आई एम इंटरवीनिंग एज ए हेल्पिंग एंड मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ द हेल्पिंग जो एनजीओ यू ऑल ओवर द कंट्री में. यस 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 आई नो दैट. तो ऐसा करके सबको बोल रहे हो, इसलिए आप लोग जो भी इस तरह की बात करते हैं यू मस्ट रेज दिस इश्यू, सेंसिटाइज आवर ऑफिसर्स और इवन द आवर यू नो द अथॉरिटी और मिनिस्टर एंड अदर दे शुड हैव द चैनल. इफ आई कैन गेट इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली व्हाई नॉट अदर दैट कंसर्न स्टेट पुलिस हायरार्की. यू आर राइट सर, आई एग्री विद यू सर, मैं सहमत हूँ सर आपसे. बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और सर हम कुछ आपका कन्वर्सेशन का कुछ पार्ट को जो है पब्लिश भी करेगा अपना चैनल में. और सर हम दिल्ली आने से, हम अभी लास्ट टाइम हम और सोनिया भाई दोनों लोग आया था दिल्ली में.